आजकल हमीरपुर के बाजार में एक शख्स हाथों में अपनी पत्नी का फोटो लिए दर दर भटक रहा है। ये शख्स अपनी गुम हुई पत्नी की तलाश करते हुए हमीरपुर पहुंचा है और इसे पूरी उम्मीद है कि हमीरपुर में कहीं पत्नी रह रही है। कांगड़ा जिला के खुंडिया के छोट गांव के कश्मीर सिंह की पत्नी अनुपमा गत 14 फरवरी को घर से गोबर फेंकने के बहाने खेतों में गई थी और वापस घर नहीं लौटी। हालांकि घर पर दो बच्चे हैं और 9 साल पहले शादी हुई थी। हमीरपुर पहुंचे पति कश्मीर सिंह ने बताया कि स्वयं कांगड़ा से बाहर नौकरी करता है और पिछले 1.5 महीने से पत्नी अनुपमा घर से गायब है। उन्होंने बताया कि ऐसा पता चल रहा है कि वह हमीरपुर में रह रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस थाना ज्वालामुखी में भी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस ने भी कोई खोजबीन नहीं की, जिस कारण अब खुद ही पत्नी को तलाश करने के लिए हमीरपुर पहुंचे हैं। यहाँ पर जी मेरी मिसी जो गुम हुई है, उसके बारे में जी मैं यहाँ जांच पड़ताल कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ उसको। कब का मामला है ये जी? ये 14 फरवरी से भागी हुई है। क्या कारण कह रहा है? कहाँ से? पता नहीं जी क्या कारण था, अपने आप से मर्जी से भाग गई है, बच्चा को छोड़कर। दो एक 1.5 साल का लड़का, एक 3 साल का। गोबर फेंकने गई और वहाँ से अंडरग्राउंड हो गई, पता नहीं चला कहाँ भाग गई। पुलिस स्टेशन में कब करवाई रिपोर्ट? आपने दूसरे दिन करवा दी। अब पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना कि कोई खबर नहीं लग रही है, कोई पता नहीं, पता चलेगा तो बता दें कि पत्नी अनुपमा जो 14 फरवरी से लापता जी, और वो ऐसे पता चल रहा है कि वो मीरपुर में रह रही, और उसका कोई भी सुराग नहीं पता चल रहा है। अभी कोई मीरपुर में सुराग नहीं आ रहा, पर मतलब है मीरपुर के आसपास अड्डे के कोई 5-6 किलोमीटर के एरिया में रह रही हो।